आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मानक समाकलन कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ ये सूत्र हैं तीन, इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। इनमें बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन रहता है, ये एक से लगभग लगते हैं, बहुत ध्यान से हमें देखना है। जिसमें अचर पहले वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा पहले है वो साइन इनवर्स का बनता है और बकाया दो ब्लॉक के बनते हैं, क्योंकि हमने पहले लिख दिया साइन इनवर्स का अलग। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक बटे दो एक्स, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे दो ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स को हमें प्लस सी। दूसरा सूत्र है समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक बटे दो एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक बटे दो ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरा अंडर रूट एक्स समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक बटे दो एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यह माइनस है, इन दोनों में प्लस है सूत्रों में, इसमें यह माइनस है, माइनस एक बटे दो ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये एक्सरसाइज 7.7 शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल है समाकलन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 को लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा पहला सूत्र बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन, इसका सूत्र है एक बटे दो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे दो ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए की जगह पर यहाँ दो है और एक्स की जगह एक्स है, तो एक बटे दो एक्स, दो का स्क्वायर 4 और ये ए स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर है तो 2 से 2 कट गए, अब केवल यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यह हम ऐसे लिखते हैं इसे एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 समाकलन अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, समाकलन 1 माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, 4 एक्स स्क्वायर को लिख लिया 2 एक्स का होल स्क्वायर, 2 एक्स को हमने मान लिया टी, 2 इंटू 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, 2 डी एक्स बराबर डी टी और डी एक्स बराबर 1 बटे 2 डी टी, 1 बटे 2 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये भी पहला सूत्र है, 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एक्स की जगह पर ए की जगह पर एक है और एक्स की जगह पर टी है, 1 बटे 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी टी अपॉन ए, ये हो गया 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, 1 बटे 2 टी की जगह 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 साइन इनवर्स 2 एक्स प्लस सी, ये 2 से 2 कट गए यहाँ, तो ये आया हमारा 1 बटे 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 4 साइन इनवर्स 2 एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 6 डी एक्स, समाकलन
प्लस 4x, ये पूर्ण वर्ग बना लें हम इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बना लें, तो कितना जोड़ा है x का गुणांक, या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 को 4 प्लस 2। अब ये हमारा बन गया एच प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2dx, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे तो हम इसको टी मान लें, एक्स प्लस 2 बराबर टी, 1 प्लस 0 dx बराबर dt। तो ये हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर dt, dx बराबर dt। तो अब जी बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सूत्र दूसरा क्या है, सूत्र दूसरा 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 a² लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, 1/2 t की जगह एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2/2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। ये आ गया हमारा 1/2 x + 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, लॉग एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 प्लस सी। इसका फाइनल आंसर आ गया हमारा 1/2 x + 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी आंसर। समाकलन 1 - 4x - x² dx। समाकलन हमने बताया अंडर रूट से बाहर माइनस नहीं लेंगे, जो करना है वो हमें अंडर रूट में ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x पूर्ण वर्ग से x का गुणांक, x यहाँ पर अकेला है कोई दिक्कत नहीं, x का गुणांक 4, इसका आधा 2, उसका वर्ग 4, 4 यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और उतना ही घटाते हैं। इस माइनस की इस माइनस में गुणा करके भाग ले लिया हमने 4, तो प्लस हो गया 4 × 5 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 को हमने लिख दिया अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx, एक्स प्लस 2 को मान लिया टी, 1 + 0 dx बराबर dt, dx बराबर dt। अब ये बन गया आपका अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt। अब ये बन गया पहला सूत्र, फिर 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, 1/2 t की जगह हमने रखा है एक्स प्लस 2, 5 अंडर रूट 5 का वर्ग 5, एक्स प्लस 2 का वर्ग प्लस 5/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2/√5 प्लस सी। तो ये आ गया हमारा
ए बटे दो एच प्लस दो पाँच एच स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच बटे दो साइन इनवर्स एच प्लस दो अंडर रूट पाँच प्लस सी एक बटे दो एच प्लस दो पाँच माइनस एच स्क्वायर माइनस चार एक्स पाँच बटे दो साइन इनवर्स एच प्लस दो अंडर रूट पाँच प्लस सी एक बटे दो एच प्लस दो पाँच में से चार गए एक माइनस चार एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस पाँच बटे दो साइन इनवर्स एक्स प्लस दो बटे अंडर रूट पाँच प्लस सी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर आठ है, समाकलन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी एक्स एच स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक्स के गुणांक तीन, इसका आधा तीन बटे दो, इसका वर्ग नौ बटे चार, नौ बटे चार जोड़ देंगे, नौ बटे चार घटा देंगे, x प्लस तीन बटे दो का वर्ग माइनस तीन बटे दो का वर्ग, x प्लस तीन बटे दो बराबर टी, वन प्लस डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी टी, समाकलन टी स्क्वायर माइनस तीन बटे दो ए स्क्वायर डी एक्स डी टी। अब ये बनेगा तीसरा सूत्र, आज हमने जो आपको सूत्र लिखवाया तीसरा सूत्र है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आएगा वन अपॉइंट टू एक्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक बटे दो ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी एक बटे दो टी की जगह एक्स प्लस तीन बटे दो अंडर रूट एक्स प्लस तीन बटे दो का होल स्क्वायर माइनस तीन बटे दो का होल स्क्वायर माइनस एक बटे दो गुणा नौ बटे चार लॉग एक्स प्लस तीन बटे दो लॉग एक्स प्लस तीन बटे दो प्लस एक्स प्लस तीन बटे दो का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी एक बटे दो टू एक्स प्लस थ्री अपॉइंट टू, तो एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस नौ बटे चार प्लस तीन एक्स माइनस नौ बटे चार माइनस नौ बटे आठ नौ एक्स प्लस तीन बटे दो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नौ बटे चार माइनस तीन एक्स माइनस नौ बटे चार प्लस सी, नौ बटे चार कैंसिल, ये आए दो एक्स प्लस तीन बटे चार एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस नौ बटे आठ लॉग एक्स प्लस तीन बटे दो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। ये एक्स प्लस तीन बटे दो का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस नौ बटे चार प्लस सी, तो टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस नौ बटे आठ लॉग एक्स प्लस तीन बटे दो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स लिख गया था प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री आंसर। नंबर बारह, समाकलन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हम इस तरह के सवाल पीछे भी आपको करा चुके हैं। अब ये एक्स नहीं होता तो पूर्ण वर्ग विधि से एक ही बार में सवाल हल हो जाता,
लेकिन यहाँ क्या जोड़े घटाएं, किसका डिफरेंशियल यहाँ आ जाए, तो ये दिमाग लगाएं घंटों भर क्या जोड़े क्या घटाएं, इससे अच्छा ये डिफरेंशियल मेथड है। इसमें दो अचर लिए जाते हैं, पहला ये जो यहाँ अंडर रूट के बाहर जो भी संख्या हो जो भी पद हो वो इधर LHS में RHS में एक अचर A, डिफरेंशियल जो अंडर रूट के अंदर है वो, प्लस दूसरा अचर X, A इसका डिफरेंशियल 1 इसका 2X प्लस B, A की गुणा कर दिए अंदर, A प्लस 2AX प्लस B, 2AX पहले लिख लिया और अचर पद बाद में लिख दिया, दोनों तरफ X तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, इधर X का गुणांक है 1, इधर X का गुणांक है 2A, A बराबर आ गया 1/2, इधर अचर पद है नहीं तो 0, इधर A प्लस B, A का मान रख दिया 1/2, B का मान आ गया -1/2। अब जो सवाल दिया उसके बराबर में हमने ये तोड़ के लिखे थे दो अचर पद, इनकी जगह पर A की जगह 1/2 और ये आया था 1+2X और ये अंडर रूट वाला पद X प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे B का मान -1/2 और अंडर रूट X प्लस एक्स स्क्वायर, अभी अलग अलग हो गए। अब इसको हमने T मान लिया, X प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जो संख्या उसको H अंडर रूट के अंदर X प्लस एक्स स्क्वायर इसको T मान लिया, X का वर्ग एक्स स्क्वायर का 2x बराबर dt, तो ये हो गया हमारा dx और j सब मिल के dt अंडर रूट T, ये आप पूर्ण वर्ग से हो जाएगा। X का गुणांक 1 इसका आधा 1/2 इसका वर्ग 1/4, 1/4 जोड़ दिया 1/4 घटा दिया, ये बन गया एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का वर्ग डी एक्स, ये टी की पावर 1/2 लिख दिया पहले सूत्र से, एन प्लस 1/(n+1) माइनस 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा सूत्र बन गया 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, समाकलन हो गया तो प्लस सी समाकलन का चिन्ह हट गया, ये 3/2 1/2 प्लस 3/2 बटे 3/2 माइनस 1/2 एक्स लघुत्तम ले लिया 2x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स माइनस 1/4 माइनस 1/2 बड़ा 1/4 लॉग एक्स प्लस 1/2, ये भी वर्ग खोल दिया हमने और यहाँ भी वर्ग खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, 1/4 यहाँ कट गए 1/4 यहाँ कट गए, अब ये आ गए हमारे 2/3 ऊपर, 2 से 2 कट गए 3/3/2 और ये सब ऐसे लिख लिए जो बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब ये माइनस और ये माइनस गुणा हो गई प्लस 1/2 ये है और 4 × 2 = 8 1/16 लॉग एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, यहाँ टी का मान रख दिया जो टी मानी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दो से दो ये कट गए 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/8 2x+1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/16 लॉग एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 समाकलन x प्लस 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमने LHS में रख लिया जो अंडर रूट से बाहर है, इसका पहला अचर इसका डिफरेंशियल प्लस दूसरा अचर x प्लस 3 का 0 4x का 1 x स्क्वायर का 2x प्लस b x प्लस 3 बराबर माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2x प्लस b एक्स प्लस 3 ए की गुणा कर दिए अंदर माइनस 4a माइनस 2ax प्लस b 2ax पहले लिख लिए 4a प्लस b अचर बाद में लिख लिए दोनों तरफ x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर x का गुणांक यहाँ 1 है x का गुणांक यहाँ माइनस 2a है a इक्वल टू माइनस 1/2 अचर पद इधर 3 है इधर माइनस 4a प्लस b है a का मान माइनस 1/2 रख दिया 2 से 2 × 4 माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया हमारा प्लस का 2 प्लस बी दो इधर ले गए तो 3 में से 2 गए 1 बी बराबर 1। अब सवाल लिख दिया हमने एच प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ए का मान माइनस 1/2 ये अंडर रूट है जो भी बहुपद है इसका अवकलन माइनस 4 माइनस 2x
थ्री माइनस चार माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस बी का मान आया एक, तो एक और जो सवाल दिया तीन माइनस चार एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले के लिए हमने जो अंडर रूट में उसके लिए टी मान लिया, इसका डिफरेंशियल दिया गया माइनस चार माइनस दो एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये हो गया एक बटे दो माइनस का अंडर रूट टी डी टी प्लस ये, इस दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स, ये पूर्ण वर्ग से एक्स का गुणांक चार इसका आधा दो इसका वर्ग चार बटे चार घटा दिया, ये टी की पावर एक बटे दो लिख दी, ये इस माइनस चार की इस माइनस से गुणा करके बाहर आ गया प्लस हो गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार, ये हो गया सात, ये हो गया एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर, ये हो गया एन प्लस वन पहले सूत्र से एक बटे दो प्लस एक तीन बटे दो बटे तीन बटे दो प्लस सात माइनस एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर, सात को लिख लिया अंडर रूट सात का वर्ग माइनस एक्स प्लस दो का वर्ग, ये दो बटे तीन ऊपर चले जाएंगे दो से दो कट गए, ये रह गए माइनस एक बटे तीन तीन स्क्वायर तीन बटे दो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र एक बटे दो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे दो ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस एक बटे तीन तीन माइनस चार एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटे दो टी का मान रख दिया हमने ये प्लस एक बटे दो एक्स प्लस दो अंडर रूट सात का वर्ग सात इसका खोल दिया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस अंडर रूट सात का वर्ग सात सात बटे दो साइन इनवर्स एक्स प्लस टू माइनस एक बटे तीन तीन माइनस चार एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटे दो प्लस एक बटे दो एक्स प्लस दो सात उस माइनस के अंदर गुणा कर दी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस सात बटे दो साइन इनवर्स एक्स प्लस दो बटे अंडर रूट सात माइनस एक बटे तीन तीन माइनस चार एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटे दो प्लस एक बटे दो एक्स प्लस दो सात में से चार गए तीन माइनस चार एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सात बटे दो साइन इनवर्स एक्स प्लस दो बटे नौ सात प्लस सी, ये हमारा आंसर है। भैया और बहनों आज हमने आपको कुछ मानक समाकलन के सवाल बताए और तीन सूत्र लिखे पहले उन्हीं के आधार पर सारे सवाल कराए और जो सवाल कराए उन्हीं के ऊपर कुछ और सवाल हैं, उन्हीं सूत्रों के आधार पर ही तीनों सूत्रों के आधार पर ये सवाल हैं, गृहकारी के रूप में इन्हें ढंग से पढ़ें समझें फिर हल करें और उन्हीं सूत्रों के माध्यम से लगाएं इन सूत्रों को और इनको हल करके गृहकारी को ग्रुप में डालें। कल फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।